राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पीसीसी के पूर्व चीफ सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया गया है। इस ऑफर के तहत उन्हें 3 मंत्री पद सहित निगम और बोर्डों में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि किसी भी सूरत में 3 से ज्यादा मंत्री पद नहीं मिलेंगे, वैसे अभी भी बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो अब सचिन पायलट को ही फैसला लेना है, हालांकि वे इससे पहले 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी और सीएम अशोक गहलोत का तर्क है कि 9 मंत्री पद खाली है। इसमें बीएसपी के 6 विधायकों और निर्दलीय में से कुछ को मंत्री बनाना है, वही कुछ गहलोत कैंप से मंत्री बनेंगे, इसलिए सचिन पायलट को 3 से ज्यादा मंत्री पद दे पाना संभव नहीं है। पार्टी सूत्र कहते हैं कि पहले सचिन को एआईसीसी में लाकर महासचिव बनाने के साथ किसी राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर दिया गया था। यही नहीं, अब उनके लिए थोड़ा और महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। अगर वह 3 मंत्री पद पर मान जाए, वही कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर सचिन पायलट मान जाए तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी ही कर दिया जाएगा। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत 2 महीने के क्वारंटाइन पर है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार कैसे होगा? इस सवाल के जवाब में पार्टी सूत्र का कहना है कि गेंद सचिन पायलट के पाले में है, वे अगर ऑफर स्वीकार करते हैं तो सीएम मंत्रिमंडल विस्तार कर देंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व सुनिश्चित करेगा। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक आला कमान इसलिए सचिन से अब तक नहीं मिला क्योंकि सुलेख कमेटी और बाकी नेताओं से बातचीत में सचिन अपने रुख पर कायम है। इसके अलावा आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता है। सचिन को उनके साथ समन्वय से आगे बढ़ना होगा क्योंकि सचिन ही राज्य में पार्टी के भविष्य है, वही पार्टी अब सचिन के दबाव में नहीं आने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।